हाय दोस्तों, मैं हूँ जाकिर खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जाकिर यूट्यूबर। दोस्तों, आज मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ, इस रिमोट्स के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे बटन्स होते हैं। आप देखते होंगे बटन्स को, तो हम लोग अक्सर सिर्फ अमूमन सिर्फ जो है 1 से लेके 9 तक के इतने ही बटन यूज़ करते हैं, और बैक वगैरह ये सब यूज़ करते हैं, ऑन ऑफ का, म्यूट का, और ये सब सारे यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ इसके अंदर बटन्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा इसके बारे में। जैसे कि आप इसके अंदर एक बटन देख रहे होंगे, यह हैथवे का रिमोट है। हैथवे के रिमोट में, इसमें आप, अगर आपके पास ऐसा रिमोट है तो इसके अंदर एक आप देख रहे होंगे ईपीजी प्रोग्राम करके, ईपीजी बटन करके। जैसे ये बटन प्रेस करेंगे ईपीजी को, इजी प्रोग्राम गाइड, आप इसकी जानकारी रखिए, ईपीजी का फुल फॉर्म है इजी प्रोग्राम गाइड। तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो पूरे चैनल की लिस्ट आ जाएगी, जैसे 101, 102, ये सब सारे चैनल्स की लिस्ट है। सोनी मैक्स है, यह हैथवे में है, और मूवीज़ ओके हैं। आप उसको 1 बाय 1 नीचे करते जाएंगे तो उसके अंदर इन्फॉर्मेशन भी आएगा, पिक्चर की इन्फॉर्मेशन आएगी, चैनल की इन्फॉर्मेशन आएगी, और नीचे गाइड आते जाएगा। यानी कैसे 1 बाय 1 एक एक करके हर चीज़ों की गाइड आती जाएगी कि इसके बाद कौन सा प्रोग्राम आने वाला है, इसके बाद कौन से चैनल्स हैं, इसके बाद इस पिक्चर में कौन कौन कास्ट कर रहा है, इस पिक्चर का कंसेप्ट क्या है। ये ईपीजी का जो बटन है ये काम आता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, आप एक साउथ की मूवीज़ देख रहे हैं, तो अगर साउथ की मूवीज़ देख रहे हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हीरो का नाम नहीं मालूम होता, और हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग से मूवीज़ देखते रहते हैं। या फिर हॉलीवुड की कोई मूवीज़ देख लें, तो अगर हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं तो उसमें हीरो का नाम नहीं मालूम होता, लेकिन अगर हमारे अंदर एक चाह होती है कि यार ये कौन सा हीरो है, इसका नाम क्या है, तो हम लोग वो टाइम या उस वक्त तो नहीं मालूम कर सकते, फिर बाद में जाके गूगल पर सर्च करें या फिर उसके बारे में मालूम करें, तो वो टाइम यानी उतना टाइम लगता है। लेकिन ईपीजी ये ऐसा बटन है, इसके प्रेस करने पे आपको वो हीरो के बारे में भी मालूम पड़ जाएगा कि इसके अंदर कौन से हीरो कास्ट कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो इसी बेस पर था, इस बटन के ऊपर, और भी मैंने इसमें काफ़ी सर्च की है इसके बारे में जानकारी लेने की, कि क्या इन चीज़ों का क्या होता है। अगले वीडियो मेरी ज़रूर देखिए, उसके अंदर मैंने बताया है कि बाकी के बटन्स भी क्या क्या काम आते हैं। मैं 1 बाय 1 एक एक करके आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो मेरा वीडियो मिस ना करें और ज़रूर मेरा वीडियो देखें, क्योंकि बहुत सारी जानकारी ऐसी होती है, छोटी छोटी जानकारी है, लेकिन हमें इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता है। तो ज़रूर आप लोग इन चीज़ों के बारे में मालूम मेरी इस वीडियो से ले सकते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखें आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसा मैं अभी आपको ईपीजी बटन के बारे में बताया, तो उसका क्या यूज़ होता है, आइए हम इसको पूरा विस्तार से, पूरे डिटेल से देखते हैं। आपको मैं पूरा लाइव दिखाऊंगा कि किस इसका ईपीजी का बटन का क्या यूज़ होता है। आप अपने रिमोट में ईपीजी का जो बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद आप देख रहे हैं एक विंडो ओपन हुई है, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है, पिक्चर का नाम लिखा हुआ है, मूवी और चैनल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्रोग्राम गाइड है, एकदम फ्रंट ऊपर की तरफ से मेरा हाथ देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये ईपीजी का मतलब यही है, यानी इजी प्रोग्राम गाइड। आप यहाँ से जाने के बाद, प्रेस करने के बाद, यहाँ पर आप अपने प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं, कौन से प्रोग्राम आ रहे हैं और किस पिक्चर में कौन कास्ट कर रहा है। जैसे ये पिक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे पिक्चर आ रही है रेडी, ये 5:52 से स्टार्ट हुई है और 9 बजे ये ख़त्म हो जाएगी। पिक्चर में सलमान खान, असीन ये काम कर रहे हैं, और ये पिक्चर का कॉन्सेप्ट क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आप मूवीज़ ओके पे आप देख सकते हैं कौन सी पिक्चर आने वाली है, सन ऑफ सरदार कौन सी पिक्चर आ रही है, सॉरी। तो आप इसे नीचे प्रेस कर दीजिए, आप इसके बारे में भी जान सकते हैं, इसमें पिक्चर में कास्ट कर रहे हैं अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, ये किस बेस पर बनी हुई है, आप उसके बारे में देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से नीचे आप आएंगे सोनी मैक्स, यहाँ पर पीके मूवी आ रही है, यहाँ पर आमिर खान कास्ट कर रहे हैं, अनुष्का शर्मा है साथ में। आप देखेंगे ये सोनी टीवी पर यहाँ पर एक नया प्रोग्राम है, ये जिंदगी की क्रॉस रोड, जो 8:30 बजे से स्टार्ट है और 9:30 बजे तक की चलेगा, और ये किस बेस पर बनी हुई है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत
शुक्रिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है, मेरी ये नॉलेजफुल बातें अगर आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।